वैसे सर टाप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। क्या अजय ने चुन लिया है अपना स्टंट डायरेक्टर? क्या सुनील शेट्टी ने ठुकरा दिया था फिल्म का ऑफर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इन दिनों बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में हैं। फिल्म के साथ वो अपने प्रमोशन में भी बिजी हैं और अब खबर आ रही है उनकी अगली फिल्म के सीक्वल की। जी हाँ, 1996 की सुपरहिट फिल्म दिल जले का सीक्वल आने की चर्चाएं हो रही हैं। अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और एक्शन के साथ साबित कर दिया कि वो किसी से भी कम नहीं, और अब तो वो बैक टू बैक फिल्में करे जा रहे हैं। अब इसमें उनकी फिल्म दिल जले का सीक्वल आना ये उनके फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दिल जले फिल्म से अजय देवगन सबकी नजरों में छा गए थे। बॉलीवुड के चुनिंदा एक्टर में उनका नाम शामिल हो गया था। अजय के साथ नजर आई थी खूबसूरत सोनाली बेंद्रे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हैरी बवेजा ने। फिल्म की कहानी में अजय ने श्याम जैसे सीधे साधे नौजवान और शाका जैसे आतंकवादी के दो शेड्स निभाए। उनके स्टाइल, लुक और किलर अंदाज से दर्शक उनके प्यार में पड़ गए। अगर आपने दिलजले फिल्म देखी होगी तो उसमें अजय ने कई स्टंट्स किए हैं। आतंकवादी किरदार के लिए उन्होंने अपने एंग्री लुक और एक्शन पर भरपूर काम किया, और जिससे उनके एक्शन सीक्वेंसेस लाजवाब रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब सीक्वल में भी हमें यही तड़का देखने को मिलेगा, क्योंकि अजय एक स्टंट मास्टर है और एक्शन तो उनके दिल के करीब है। उनके एक्शन स्टंट्स तो उनके पिता वीरू देवगन ने डायरेक्ट किए थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर इसके पहले अजय के साथ काम करने वाले मशहूर स्टंट डायरेक्टर रवि वर्मा ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। वैसे रवि का कहना है कि अजय एक हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान है, वो कम बोलकर बड़ा धमाका करते हैं। वैसे आपको पता है कि सुनील शेट्टी की टीम का हिस्सा बनने वाले थे, अजय के रोल के लिए नहीं बल्कि प्रमीत शेट्टी के किरदार के लिए। जी हाँ, जिसके साथ राधिका यानी सोनाली बेंद्रे की शादी तय की जाती है। उस वक्त सुनील अपनी बॉर्डर फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, इसीलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके बाद भी अजय और सुनील ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, हालांकि कभी उस पर ज्यादा बातें नहीं की गई। खैर, तो पूरी तरह से तैयार है फिल्म के सीक्वल के लिए, और सिर्फ इसी फिल्म के लिए नहीं, अपनी आने वाली हर फिल्म के साथ वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री को ये दिखाने वाले हैं कि बॉलीवुड भी किसी से कम नहीं। हालांकि उन्होंने भी फिल्म RRR से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है, पर वो तो है बॉलीवुड के हीरो। अपनी इंडस्ट्री की शान बढ़ाना कौन नहीं चाहता, वो तारीफें सबकी करते हैं पर अपनी दमदार फिल्मों पर उतना ही विश्वास रखते हैं। तो अजय के फैंस हो जाइए तैयार दिल जले 2 देखने के लिए। आपको क्या लगता है, सीक्वल में सोनाली की जगह यंग टैलेंटेड को मौका मिलेगा? बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।